नमस्कार दोस्तों, मेरे रसोई में स्वागत है। आज हम देसी बनाएंगे मुर्गी। देखिए, एक किलो है। यहाँ पर एक प्याज है, यहाँ कुछ खड़े मसाला रखे हैं, दो लहसुन डाल के बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। देखिए, आज हम कुकर में बनाएंगे। सरसों तेल डाल दे रहे हैं। प्याज भूनने के लिए हो गया है सरसों तेल। देखिए, गरम मसाला है, कुछ मिर्चा है, तेजपत्ता, यहाँ पर ही काली मिर्च है, डाल दे रहे हैं। चटकने देंगे। प्याज रखे थे, डाल दे रहे हैं। लहसुन तो डाल ही नहीं, लहसुन रखे थे, डाल दे रहे हैं। प्याज का भून के लाल कर देंगे। देखिए, प्याज हो चुका है। अदरक और लहसुन के पेस्ट बनाए हैं, डाल दे रहे हैं। चिल्ली पर बनाते हैं। यहाँ पर ये है मिर्चा, गोलकी, जीरा, धनिया के पेस्ट बना लिए, डाल दे रहे हैं। तला के भूनेंगे। हल्दी पाउडर है, डाल दे रहे हैं। चला लेते हैं। लहसुन धो के पानी डाल दे रहे हैं। मसाला वाला कटोरी है, चला देते हैं। के भूनेंगे। देखिए, मसाला भून लिए हैं। मसाला भून जा गया है। चिकन के भी डाल दे रहे हैं। मुर्गी को, बड़ा वाला मुर्गी है, एकदम खस्सी ऐसा लगता है खाने में। खसी छूट है। मटन के भी फेल कर देता है, बड़ा वाला मुर्गी है। चला लेते हैं। इसको मसाला के साथ में भूंजेंगे। इतना अच्छा खुशबू आ रहा है कि मत पूछिए, ज़्यादा ही खुशबू अच्छा आ रहा है एकदम। नमक डाल दे रहे हैं, अपना स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। अपना स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। 3 चम्मच नमक डाले हैं। चला लेते हैं। ढक दे रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, ढक दे रहे हैं, अभी भूंजेंगे। देखिए, भूंज रहे थे। कलर भी देखिए, कितना सुंदर कलर आया है, एकदम पूरा लाल हो गया है भूनते भूनते। देखिए, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है कि मत पूछिए, मन कर रहा है कि खा ले अभी से।
ज़रूर बनाइएगा, खिलाइएगा, खाइएगा, कमेंट करिएगा। प्याज के भी पानी सूख गया है, प्याज भी गल गया है, लहसुन भी पक गया है। दोस्तों हमारे वीडियो के एक सपोर्ट करिएगा। देखिए हो चुका है, कलर भी देख लीजिए, देखिए तेल भी निकल गया है, देखिए तेल निकल गया है, लग रहा है कितना सुंदर है। देखते मुँह में से पानी आ रहा है, हो चुका है दोस्तों। अब इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं, गर्म करके पानी रखे हैं, गर्म पानी डाल रहे हैं। आप बनाइएगा गर्म पानी डाल के, गरम मसाला भी पेस्ट बना के रखे हैं वो भी डाल दे रहे हैं। धो के भी डाल दे रहे हैं। अब इसको बंद कर दे रहे हैं, दो सीटी लगाएंगे, दो सीटी के तक इंतज़ार करेंगे, उसको बाद गैस बंद कर देंगे दो सीटी में। देखिए गैस बंद कर दिए थे, देखिए बन के रेडी है मुर्गी देसी वाला। देखिए बन के रेडी है, ग्रेवी भी देखिए कितना अच्छी सुंदर हुई है, ग्रेवी दम लाल पूरा। लहसुन के तो पक गया है पूरा, लहसुन पूरा पका हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ अच्छे अच्छे रेसिपी के लिए। मिलते हैं नए रेसिपी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।